बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि काला बर्तन जिसमें कुछ लग जाए नीचे, कोई खाना जल जाए या कोई चीज़ जल जाए, तो वो बर्तन कैसे साफ़ करते हैं। बहुत ही आजमाया हुआ और अच्छा ये टोटका है, आप ज़रूर आजमाइएगा। ये इसके लिए सबसे पहले मैं पानी डाल रही हूँ। पानी उतना डालना है जितना बर्तन आपका काला हुआ हो। अब मैं इसमें ये दो अदद लेमन मैंने स्क्वीज़ किए हैं, कर रही हूँ, दो अदद लेमन काटे हुए हैं, ये मैं इसमें स्क्वीज़ करूँगी। और इसका छिलका भी इसमें डाल दूँगी। ये दो लेमन मैंने स्क्वीज़ कर दिए हैं इसमें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दो चम्मच सर्फ, कोई भी सर्फ ले लें आप, उसके दो चम्मच आपने डालने हैं इसमें। मैं इसको मीडियम साइज फ्लेम के मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं बॉईल करूंगी अच्छी तरह। और उसके बाद मैं जाली जो होती है बर्तनों वाली, उससे इसको साफ करूंगी। ये देखें, ये पानी पक रहा है, ये 5 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं इसको और पकाऊंगी। तो ये देख लें, ये कढ़ाई मैंने ली है, 5 मिनट और पकाने के बाद फिर मैं इसको वॉश करूंगी। जी व्यूअर्स, ये 5 मिनट और पक गए। ये देखें, इस वाटर का कलर जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, क्योंकि इसमें से नीचे जो है ब्लैक इसका जो लगा हुआ था वो उतर रहा है। ये मैं आपको दिखा दी थी, इस चम्मच से भी हम आपने थोड़ा सा इसको मिलाना है नीचे से, ताकि जो मैक्सिमम है वो चम्मच से ही उतर जाए, इजीली ये उतर रहे हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें अंदर से क्लीन हो रहा है। अब मैं इसको इस वायर से जो है, ये वायर है किंग क्लीनिंग तो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, ये डबल वायर्ड है, इससे मैं इसको वॉश करूँगी अब पानी गिरा के। जी व्यूअर्स, पानी मैंने गिरा दिया है, अब मैं इसको वॉश कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, हमारी कढ़ाई जो है ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गई है। इसको मैंने 3 स्टेप्स में किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले मैंने पानी डाला था इसमें और इसमें 2 लेमन मैंने स्क्वीज किए और उनका छिलका भी उसी में डाल दिया, और 2 टेबल स्पून मैंने सर्फ के डाले, कोई भी सर्फ आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए बॉयल किया पानी को अच्छी तरह से, और फिर मैंने चम्मच की मदद से इसको हिलाया। ठीक है, चम्मच से मैक्सिमम जो है वो लगा हुआ होगा कुछ सालन वगैरह या कोई भी चीज़, तो वो उतर जाएगी। फिर मैंने पानी को गिरा के उसको इस जाली से साफ़ किया, पहले मैंने जाली से वैसे ही साफ़ किया और फिर मैंने लेमन मैक्स है लेमन मैक्स बाहर लगा के वो अच्छी तरह फिर साफ़ किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप ज़रूर आजमाएं ये टोटका, बहुत ही आसान है।
इसकी जो साफ़ करते हुए वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये मैं वीडियो खुद बना रही हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल, और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।